नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष और आप देख रहे हैं लर्न वेल चैनल। दोस्तों आज मैं आपके लिए बहुत ही अच्छी चीज़ लेके आया हूं, एक्सेल टू टैली वन क्लिक बैंक। मतलब आप एक ही क्लिक में आप बैंक की एंट्री अपलोड कर पाएंगे। आप डायरेक्ट डाउनलोड करिए बैंक को और सीधा अपलोड कर दीजिए टैली में आपके। तो आइए देखते हैं ये कैसे काम करेगा। तो दोस्तों कुछ ऐसा रहता है हमारा बैंक, जैसे अभी मैं SBI देख रहा हूँ, तो इसमें ट्रांजैक्शन डेट रहती है, वैल्यू डेट रहती है, उसका डिस्क्रिप्शन रहता है, चेक नंबर या रेफरेंस नंबर रहता है, उसका ब्रांच कोड है, डेबिट और क्रेडिट है, बैलेंस है, और लास्ट में ये लेजर नेम, ये मैंने लिखा हुआ है अलग से। आपको बैलेंस के बाद में ये लेजर नेम आपको लिख देना है, अगर आप बैंक सस्पेंस या और किसी लेजर में ले जाना चाहते हैं जो आपके टैली में है। जैसे हमारे टैली में है बैंक सस्पेंस करके, तो वो मैंने वहाँ पे बैंक सस्पेंस डाल दिया। अगर आपको चाहिए कि आपको अगर जैसे पता है पहले से कि हमारा ये लेजर है, तो आप पर्टिकुलर उस लेजर में भी आप वहाँ पे डाल सकते हैं। जैसे मैंने मुझे जैसे पता है कि ये वाला मेरा अमाउंट किसके लिए ट्रांजेक्शन हुआ है, तो मैं यहाँ पे उसका नाम भी डाल सकता हूँ। अदरवाइज आप बैंक सस्पेंस में पूरी एंट्री डालिए और आप टैली में जाके भी आप सुधार सकते हो उसको। और ये तो हमारा SBI का फॉर्मेट हो गया, और सेम ऐसे ही हमारा ये HDFC का फॉर्मेट है। HDFC में इस हिसाब से रहता है, एक्सिस का है, इसमें भी आपका बैंक डेट वगैरह, चेक नंबर वगैरह सारा चीज़ रहता है, और ICICI का भी कुछ इस तरीके से फॉर्मेट रहता है। तो ये तो चार जो मेन बैंक है वो उसका फॉर्मेट हो गया। इसके अलावा और भी अगर आपको कोई सा भी बैंक को अगर आपको ऐड करना है, तो आप मुझे फ़ोन कर सकते हैं, मैं तुरंत ही उसको नेक्स्ट डे आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो अभी हम इन सभी को इंपोर्ट करेंगे बैंक में, अपने टैली में इन सब बैंक को। तो हम डायरेक्ट जैसे डाउनलोड भी करते हैं, हम डायरेक्ट उसमें अपने हम डायरेक्ट डाउनलोड करेंगे आपके अकाउंट से, और जो बेकार की चीज़ें हैं, जो नेम वगैरह ऊपर रहते हैं, वो सब हम हटा देंगे। हमें केवल यहाँ से रखना है ट्रांजैक्शन डेट, ये हेडिंग से और लास्ट तक जहाँ तक आपको एंट्रीज लेनी है, ठीक है। तो अभी इन सभी बैंक स्टेटमेंट को हम टैली में अपलोड करेंगे सीधा। तो उसके लिए हम स्टार्ट कर लेते हैं लर्नवेल OC बैंक, ये एप्लीकेशन है, हम इसको स्टार्ट करेंगे। ये सेल्फ एक्सट्रैक्ट होके आपका ओपन हो जाएगा, इसको इंस्टॉल वगैरह करने की ज़रूरत नहीं है, बस आप इसको चालू करिए और ये आ जाएगा। तो अभी ये जो हमारा फॉर्मेट है, ये मैंने इसको सेव कर दिया, और यहाँ पे आपको बस दो ही चीज़ ध्यान देनी है। पहला तो आपको लेजर नेम इधर लिखना है लास्ट वाले कॉलम में, बैलेंस के बाद में, और दूसरा चीज़ ये जो सीट का नेम है, आपको SBI, HDFC, एक्सिस, ICICI इस हिसाब से आपको लिख के रखना है, और बाकी आपको इसमें कोई चेंजेज नहीं करना है। जैसा आप बैंक स्टेटमेंट डाउनलोड करते हो आप वैसे ही आप रहने दीजिए। तो अब हम चलते हैं टैली में एंट्री लेने के लिए। तो अभी हमारे पास टैली में अभी कोई एंट्री नहीं है, नो वाउचर इंटर्ड। तो आपके पास पहले से वाउचर इंटर्ड हो सकते हैं, अभी मैं आपको दिखाने के लिए केवल नो वाउचर इंटर्ड करके ये आपको दिखा रहा हूँ। तो अभी आपको यहाँ पर बैंक का नेम टाइप करना है जो आपके टैली में बैंक नेम है। ठीक है, मैंने टाइप कर दिया बैंक का नेम, और मैं यहाँ से चूज कर लूँगा SBI। अभी जैसे मुझे सबसे पहले SBI की एंट्री लेनी है, तो मैं यहाँ से SBI चूज कर लूँगा और मेरा सीट सिलेक्ट करूँगा। आपकी कोई सी भी सीट आप किसी भी नाम से आप डाउनलोड करके रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी फ़िलहाल मेरे पास ये बैंक के नाम से सीट है, इसमें मेरे सारे ट्रांजेक्शन है, तो मैं इसी को चूज कर रहा हूँ। और आपका यहाँ पे ODBC सर्वर ये 9000 है, तो यहाँ भी आपको 9000 रखना है। अगर कुछ आपका यहाँ पे अलग है तो आप वो यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। अब हमें कुछ नहीं करना है, एक्सपोर्ट टू टैली पे हमें क्लिक करना है। ठीक है, ये प्रोसेस कंप्लीट हो गया। तो अभी जैसे ही मैं टैली को रिफ्रेश करूँगा या एक बार बैक स्पेस दबा के खोलूँगा, तो ये आप देख सकते हैं हमारा 1 जून की एंट्री हो चुकी है। आप इसको लेजर में भी आप जाके चेक कर सकते हैं। अभी फ़िलहाल हम बाकी भी एंट्री कर लेते हैं, फिर चल के चेक करते हैं। तो ये हमारा SBI हो गया,
अब हम मैं HDFC का भी मेरा बैंक स्टेटमेंट है, मैं HDFC भी चूज करके इधर वो नाम लिख दूंगा। फिर मैं एक्सपोर्ट टू टैली क्लिक कर दूंगा, क्योंकि मेरा जो फाइल पथ है सेम है, सारे मेरे लेजर अकाउंट सारे बैंक के इसी एक ही सीट में है। आपकी अलग अलग सीट भी हो सकती है, आप चाहें तो एक ही एक्सेल वर्कबुक में आपके सारे सीट्स रख सकते हैं। अब HDFC के बाद हम सेम ऐसे ही ICICI का भी कर लेंगे। ये भी हमारा प्रोसेस कंप्लीट हो गया। एक्सिस का भी कर लेते हैं। आपका बैंक स्टेटमेंट या आपका डाटा कितना भी लंबा हो सकता है, इसकी कोई लिमिट नहीं है। आप पूरी एक्सेल सीट आप फिल कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ये इंपोर्ट कर देगा। तो इसमें ऐसा कुछ लिमिट नहीं है, आप 50,000, 60,000, जब जितना चाहें, 1,00,000 एंट्री आप एक ही बार में कर सकते हैं। तो ये हमारे सारे बैंक स्टेटमेंट इंपोर्ट हो चुके हैं। अभी आप देख सकते हैं इधर 1 नवंबर आ गया डेट, मैंने जैसे ही रिफ्रेश किया। अब चल के चेक कर लेते हैं, जैसे पहले डे बुक में देखते हैं। मैं यहाँ पे पीरियड चेंज करता हूँ, ठीक है। ये सारी की सारी एंट्री हमारी आ चुकी है, हमने सब बैंक सस्पेंस में डाला है। और यहाँ पे एक लेजर हमारा जो हमें पता था इसका है, हम उसमें उसको डाल दिए है। और इसमें आपका सारा डिटेल आएगा, आपका बैंक की लोकेशन वगैरह भी सब कुछ दिखेगा। और साथ में आपका यहाँ पे बैंक डेट भी आपकी आएगी, जो बैंक रिकन्सलेशन करते समय आती है। तो आपका बैंक रिकन्साइल भी आपका एंट्री के टाइम ही हो जाएगा, आपको अलग से बैंक रिकन्सलेशन करने की ज़रूरत नहीं है। अब चलिए हम एक एक बैंक खोल के देख लेते हैं। तो ये हमारा स्टेट बैंक खुल गया है। आप जब रिकन्सलेशन में जाएंगे तो आपकी एंट्री सब रिकन्साइल हो चुकी रहेंगी, यहाँ पे आपका बैलेंस आएगा। अगर आपको रिकन्साइल्ड एंट्री देखनी है तो आप F12 करके भी देख सकते हैं। यहाँ पे आप शो रिकन्सलेशन ट्रांजेक्शन आल्सो, इसको यस करेंगे तो ये आपकी रिकन्साइल्ड वाली एंट्रीज यहाँ पे आपको दिखनी लगेंगी, ठीक है। सेम ऐसे ही आप अदर बैंक का भी आप चेक कर सकते हैं। चलिए हम एक्सिस के लिए चेक करते हैं। रिकन्सलेशन में आप जाके यहाँ से आप देख सकते हैं आपका कितना बैलेंस है, ठीक है। इसमें आपका सारा चीज़ दिखेगा, इंस्ट्रूमेंट नंबर वगैरह, उसका डेट, आपका बैंक डेट जो अपने रिकन्सलेशन डेट हम डालते हैं बैंक रिकन्साइल करते समय, कि हमारा कौन सा ट्रांजेक्शन क्लियर हो चुका है, कौन सा नहीं हुआ है, सारी चीज़ें आपको दिखेगी। और आप फिर यहाँ पे आके, आपको पता है कि ये 2,55,000 हमें किससे रिसीव हुआ है, आप यहाँ से उसकी एंट्री को आप चेंज कर सकते हैं। कंट्रोल ए करिए, वो सेव हो जाएगा और आपका बैंक जो है वो रिकन्साइल्ड ही रहेगा। आप यहाँ पे रिकन्सलेशन में वापस आप जाके देख सकते हैं, आपका वो ट्रांजेक्शन रिकन्साइल्ड ही रहेगा। आप नाम चेंज कर देंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ये देखिए, ये मैंने केवल नाम बस यहाँ पे चेंज किया, मेरा नाम चेंज हो गया। तो इससे आप बहुत ही अच्छे से आपकी बैंक की एंट्री, आपका कितना भी लंबा बैंक स्टेटमेंट हो, आप इंपोर्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे आप आके बस सीधा, आपको पता है ये इसका है, आपने नाम चूज किया और कंट्रोल ए करके उसको सेव कर दिया। तो दोस्तों कैसी लगी ये वीडियो आप जरूर बताइए। और इसके अलावा अगर और कोई सा भी आपको बैंक ऐड कराना है तो आप बिल्कुल ऐड करा सकते हैं। आप फॉर्मेट मुझे भेज सकते हैं, मैं उसको भी ऐड करके दे दूंगा आपको। और इसका मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, आप वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो दोस्तों पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि बहुत अच्छी अच्छी हमारे पास चीज़ें हैं जो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकती हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक